प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत शहर के वार्ड नंबर 11 स्थित वाल्मीकि मोहल्ले के समीप रामायणी चौक पर देर रात एक 5 माह का भ्रूण मिला। भ्रूण नाली के सहारे फुटपाथ पर पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी कलयुगी मां ने अपना पाप छुपाने के लिए यह भ्रूण वहां फेंका है, जो लगभग 5 महीने का लड़का बताया जा रहा है। पानीपत के DSP सतीश वत्स ने बताया कि भ्रूण कहां से आया और किसने डाला, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि भ्रूण नाली में पड़ा हुआ मिला था। SHO को इस बारे में FIR दर्ज कर मामले में पता लगाने के लिए कहा गया है कि पता करें कि ये भ्रूण कहां से आया था। घंटा डेढ़ घंटा पहले की ये घटना है। सूचना मिली थी थाना किला में कि एक भ्रूण मिला है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको थाने भिजवा दिया, हॉस्पिटल भिजवा दिया है और उसमें SHO को डायरेक्शन दे दी है कि जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनमें FIR दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पता लगाइए कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, और भ्रूण को हमने सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया। सर, भ्रूण मेल था फीमेल था? अभी तो मेल बता रहे हैं, इनिशियली तो जो देखा है, लेकिन मेडिकल से ही पता लग पाएगा एक्चुअल। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेणु की रिपोर्ट।